ए कांग्रेस पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन हु लेट अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस तो ये मूवमेंट किसने लीड किया था जिसका नाम है न्याय युद्ध यानी कि जस्टिस के लिए स्ट्रगल करना आंसर इज सी चौधरी देवीलाल नेक्स्ट क्वेश्चन विच पार्टी वॉज फॉर्मड बाई चौधरी देवीलाल तो चौधरी देवीलाल ने कौन सी पार्टी का फॉर्मेशन किया था आंसर इज डी लोक दल नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट प्रोम दट चौधरी देवीलाल पुट फॉरवर्ड इन द इलेक्शन कंपेन ऑफ नाइनटीन एटी सेवन तो चौधरी देवीलाल ने लोगों के सामने क्या वादा रखा अपने इलेक्शन के प्रचार प्रसार में नाइन्टीन एटी सेवन में होने वाले इलेक्शन के दौरान आंसर इज बी टू वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेस मैन ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट उन्होंने ये भी वादा किया कि ये जो काम है जो स्टैंडिंग लोन्स हैं फार्मर्स की और स्मॉल बिजनेस को इनको हटाना इनके सरकार का अगर इनकी सरकार बनती है तो ये पहला काम करेगी तो 1982 से 1987 तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी इस समय चौधरी देवीलाल उन्होंने एक पार्टी का फॉर्मेशन किया लोकदल और ये लोगों से प्रॉमिस किया कि जो स्टैंडिंग लोन्स हैं स्मॉल फार्मर्स के और बिजनेसमैन के अगर उनकी सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये इसे हटा देंगे और ठीक ये जीते भी नाइनटीन के इलेक्शंस के रिजल्ट जब आए तो इसमें आ, इन्हें टोटल मिला सिक्सटी सीट्स जो इनकी पार्टी थी अकेले इन्हें सिक्सटी सीट्स का मेजोरिटी मिला साथ ही इनके एलाइज भी थे और तो इन ये विनिंग थे और इन इनकी सरकार ने वाकई में पहला काम यही किया लेकिन चार साल बाद जब दोबारा से एलेक्शंस हुए तो ये हार गए और दोबारा से कांग्रेस की सरकार बन गई नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट चॉइसिस डू द वोटर्स मेक इन एन इलेक्शन तो आ, कौन से चॉइसेस वोटर्स इलेक्शंस के दौरान करते हैं क्या क्या निर्णय लेते हैं

Uh, कौन से पार्टी के पॉलिसीज इन्हें गाइड करेंगी सरकार को और लॉ मेकिंग के प्रोसेस को नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शन तो इनमें से कौन सा फीचर नहीं है एक डेमोक्रेटिक एक लोकशाही तंत्र के इलेक्शन का तो Uh, ऐसे तो हर कंट्रीज में इलेक्शंस होते हैं पर ये जरूरी नहीं है कि ये इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं तो पहले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए फ्री एंड फेयर होने चाहिए तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का आंसर इज सी फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शंस देखिए तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन कैसे होने चाहिए डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकलेक्शनस में लोगों को एक रियल चॉइस मिलना चाहिए यानी कि उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए जिनमें से वो अपने पसंद के पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को चुन सके हमने चैप्टर फर्स्ट में एग्जाम्पल में देखा था चाइना का जहाँ पे लोगों के पास कोई रियल चॉइस ही अवेलेबल नहीं था और बार बार उसी पार्टी की सरकार बनती है तो यहाँ पे अगर हम फिक्स नंबर ऑफ़ पार्टीज रखेंगे और कैंडिडेट्स रखेंगे तो फिर और लोगों को मौका कैसे मिलेगा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और लोग कैसे चुनेंगे जो सही में काबिल है चुनाव के लिए तो क्या क्या फीचर्स होंगे टोटल में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के कि हर किसी के पास वोट का अधिकार हो और हर वोट का बराबर वैल्यू हो इलेक्शन हमेशा सही इंटरवल पर होते रहें ताकि लोग को बार बार चुनाव करने का मौका मिल सके और यहाँ पे चॉइस होना चाहिए और फोर्थ क्या है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर नेक्स्ट क्वेश्चन विज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डी मेरिट ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन तो इनमें से कौन सा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का एक डीमेरिट नहीं है यानी कि अवगुण नहीं है या यू कहे तो मेरिट है आंसर इज डी पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो बाकी सब क्या है सभी डीमेरिट्स हैं पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के क्या क्या है डीमेरिट्स तो ये तो सबसे पहले आ, अनेकता की भावना को सेंस ऑफ डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म क्रिएट करता है इन एवरी लोकेलिटी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस इलेक्टोरल फाइट्स डज नॉट अलाउ सेंसिबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज टू बी फार्मूलेटेड यानी कि जो लंबे समय की जो ढंग की पॉलिसीज हैं ये फार्मूलेट नहीं हो पाते हैं इलेक्टोरल फाइट्स होने की वजह से और साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो भले ही चाहते हो कि कंट्री के लिए वो कुछ करें लेकिन ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है वो उसमें बेवजह वजह बेफजूल का ड्रैग नहीं होना चाहते तो ये डी मेरिट्स होते हैं पॉलिटिकल कंपटीशन की बट फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये पॉलिटिकल कंपटीशन को क्यों ऑप्ट किया इसलिए क्योंकि कोई रियल इंसेंटिव होना चाहिए चुनाव के लिए अगर मान लीजिए कि वो पावर के लिए ही लड़े लेकिन ऐसा सिस्टम रखा गया पॉलिटिकल कंपटीशन का कि अगर एक पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही तो दूसरी पार्टी उसको एक्सपोज कर देगी और हो सकता है कि अगले इलेक्शन में वो विन कर जाए और ना चाहते हुए भी, भी उन्हें लोगों को सर्व करना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी डैश इयर्स यानी कि जो लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के इलेक्शंस हर रेगुलरली कितने सालों के बाद होते हैं आंसर इज फाइव इच साल बाद ये इलेक्शंस किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्शन हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल दैकेंसी इज कॉल्ड एज ऐसे इलेक्शन जो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किए जाए ताकि वैकेंसी को जो खाली जगह क्रिएट हुई है उसे भरा जा सके उसे क्या कहा जाता है आंसर इज डी बाई इलेक्शन जो ऐसे रेगुलर इलेक्शन होते ऐसे जो हर पांच साल पे इलेक्शन किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है जनरल इलेक्शन और ये जो बाय इलेक्शंस है ये किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिचुएंसी में अगर किसी कारण से वैकेंसी क्रिएट हो गई है उसे भरने के लिए ऐसा कब होता है या तो डेथ और रिजिग्नेशन डेथ हो गई हो या किसी ने रिजाइन कर दिया हो तो उस खाली जगह को भरने के लिए जो इलेक्शन हो उन्हें क्या कहते हैं बाय इलेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज आवर कंट्री डिवाइडेड इन तो हमारे कंट्री कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है आंसर इज ए 543 तो यहाँ देखिए हमारा जो कंट्री है लोकसभा इलेक्शंस के लिए टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है 543 नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा एज ऑन 26 जनवरी 2019 थाउजेंड नाइनटीन तो आ, कितने सारी सीट्स रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए लोकसभा में आंसर इज डी 84 फोर फॉर सेड्यूल कास्ट एंड फोर्टी सेवन फॉर सेड्यूल ट्राइब्स सीट्स रिस्पेक्टिवली तो देखिए लोकसभा के लिए कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 543 जनरल के लिए 412 हंड्रेड जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए है 84 फोर जो कि शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हैं 47 ये लोकसभा के लिए है और अब देखिए स्टेट कॉन्स्टिटुएंसीज जो स्टेट लेजिस्टिव इलेक्शंस होती है उनमें ये कॉन्स्टिटुएंसीज क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं तो आप एक अपने कैपिटल का याद रख सकते हैं जैसे कि आ, दिल्ली का सेवन है और बाकी अपना स्टेट है तो वो याद रख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ फॉर वूमेन कैंडिडेट्स तो रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ जैसे कि म्यूनिपल कॉरपोरेशन म्युनिसपैलिटीज पंचायती राज इन सब में कितने सारे सीट्स वुमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं। आंसर इज बी वन थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन वोटर्स लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड एज तो वोटर्स लिस्ट को ऑफिशियली क्या कहा जाता है आंसर इज ए इलेक्टोरल रोल और कॉमनली क्या कहते हैं वोटर्स लिस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हु कैन वोट इन आवर कंट्री तो हमारे कंट्री में वोट कौन दे सकता है आंसर इज बी ऑल द सिटीजन्स एज एटीन ईयर्स एंड अव जितने भी कंट्री के नागरिक हैं जिनकी उम्र अठारह साल से अठारह साल है या अठारह साल से अधिक है वो सभी वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वोटर्स लिस्ट इज रिवाइज आफ्टर एवरी तो वोटर्स लिस्ट को कितने सालों के बाद रिवाइज किया जाता है आंसर इज सी फाइव ईयर्स फाइव ईयर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपिक ईपीआईसी तो इसका फुल फॉर्म क्या है आंसर इज बी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड Next question. In the last few years, a new system of election photo identity card EPIC has been introduced. The government has tried to give this card to every person on the voters list. The voters are required to carry this card when they go out to vote so that no one can vote for someone else. तो देखिए पिछले कुछ वर्षों वर्षों से एक नया सिस्टम शुरू किया गया है इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड देने का जितने भी लोग वोटर्स लिस्ट में हैं गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि हर एक को ये कार्ड मिले और वोटर्स को क्या चाहिए कि ये कार्ड अपने साथ ले जाए जब वो आ, वोट डालने जा रहे हो अ पर्सन ऑन द डे ऑफ वोटिंग फॉर गॉड टू कैरी ई पी आई सी टू द पोलिंग बूथ वट वुड बी नेक्स्ट ऑप्शन अवेलेबल टू हिम तो एक इंसान जो कि भूल गया है अपने साथ ई पी आई सी को कैरी करना जब वो आ, बूथ पे गया है वोट डालने के लिए तो उसके पास अब कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं आंसर इज सी ही और शी कैन शो मेनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लाइक द राशन कार्ड और द ड्राइविंग लाइसेंस देखिए पी जो है वो अभी भी कंपलसरी नहीं है यानी कि कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए जो दूसरे तरीके हैं जैसे कि राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस ये सब भी शो करके वो वोट डाल सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन तो वो मिनिमम एज क्या है किसी कैंडिडेट के लिए ताकि वो चुनाव लड़ सके आंसर इज बी ट्वेंटी फाइव ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन candidate लीगल to कैंडिडेट giving फुल डिटेल्स ऑफ तो हर कैंडिडेट को क्या लीगल डिक्लेरेशन देने होते हैं फुल डिटेल्स के साथ आंसर इज डी ऑल द अव अगर उसके आ, कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उस कैंडिडेट के तो ये उसके पूरे लीगल डेक्लेरेशन देनी होती है फुल डिटेल्स बतानी होती है अपने संपत्ति के डिटेल्स uh, बताने होते हैं क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं कैंडिडेट के और उसके परिवार में कौन कौन है uh, और उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं कैंडिडेट के तो ये सब लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ता है और और ये सब पब्लिक होते हैं सभी लोग जान सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पोवर्टी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ नाइनटीन सेवनटी वन तो ये स्लोगन गरीबी हटाओ यानी कि रिमूव पोवर्टी इसे लोकसभा इलेक्शन नाइनटीन सेवनटी वन के होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए किसने दिया था आंसर इज इंदिरा गांधी तो आपसे एक क्वेश्चन किया गया है और भी इस तरह के कई क्वेश्चंस बन सकते हैं तो वो बुक में पूरा दिया गया है कि देखिए गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इंदिरा गांधी ने दिया है 1971 में फिर सेव डेमोक्रेसी ये स्लोगन किसने दिया था जयप्रकाश नारायण में जनता पार्टी के 1977 के इलेक्शंस में फिर द लेफ्ट फ्रंट यूज द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977 एंड प्रोटेक्ट द सेल्फ

पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन तो ये सही नहीं है इलेक्शन लॉ के हिसाब से कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट किसी भी जाति या धर्म के नाम पे लोगों से वोट का अपील नहीं कर सकते तो हमारा इलेक्शन लॉ क्या कहता है नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स यानी कि कोई भी पार्टी और कैंडिडेट किसी भी वोटर को ब्राइब यानी कि आ, रिश्वत नहीं दे सकता और थ्रेटन यानी कि डरा धमका नहीं सकता है नो पार्टी और कैंडिडेट कैन अपील टू दम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कंपेन एंड नो पार्टी और कैंडिडेट कैन स्पेंड मोर देन ट्वेंटी फाइव लैख इन अंस्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और रुपीज टेन लैक इन अ कॉन्टीचुएंसी इन असेंबली इलेक्शन तो कोई भी पार्टी और कैंडिडेट पच्चीस लाख से ज्यादा अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन हो रहे हैं तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च नहीं कर सकता और अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शन uh, हो रहे हैं कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए तो दस लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता तो ये सारे इलेक्शन लॉज हैं और याद होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कंपेन्स नो पार्टी और कैंडिडेट तो कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शन कंपेन्स के लिए कोई भी पार्टी और कैंडिडेट क्या क्या नहीं कर सकता आंसर इज डी ऑल द अव तो व्हाट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है तो ये एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसे हर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस के टाइम फॉलो करती है ये एक तरह का बिहेवियर है जो कि ऑब्जर्व किया जाना चाहिए इलेक्शंस के टाइम पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स के द्वारा तो इसके अकॉर्डिंग क्या है नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगडा तो ये किसी भी uh, पूजनीय स्थल का जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको इलेक्शन के प्रचार प्रसार के लिए यूज़ नहीं करेंगे कोई भी सरकारी वाहन एयरक्राफ्ट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे इलेक्शंस के लिए और अगर एक बार इलेक्शंस अनाउंस हो गए हैं तो मिनिस्टर्स शाल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स वो किसी प्रोजेक्ट को अनाउंस नहीं करेंगे टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजनस और मेक प्रामिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़ तो ये होता है कोड ऑफ कंडक्ट आप सारा लर्न करें नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डज ईवीएम स्टैंड फॉर तो ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है आंसर इज सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये इंश्योर करती है कि इंडिया में भारत में फ्री और फेयर इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष इलेक्शंस हो रहे हैं आंसर इज डी इलेक्शन कमीशन ई सी नेक्स्ट क्वेश्चन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीई सी इज अपॉइंटेड बाई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है आंसर इज ए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन विज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ईसी तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन के बारे में ई सी के बारे में सही नहीं है आंसर इज़ बी इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है इलेक्शन कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बॉडी है और ये किसी के भी गाइडेंस कंट्रोल और इन्फ्लुन्स के अंदर काम नहीं करती है भले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं पर एक बार उन्हें अपॉइंट होने के बाद वो ना तो प्रेसिडेंट को ना ही प्राइम मिनिस्टर को किसी को भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बाकी देखिए क्या क्या ट्रू है तो ये इम्प्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को और पनिश करते हैं किसी भी कैंडिडेट और पार्टी को जो कि इन्हें तोड़ता है वॉयलेट करता है वेन एन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ई सी एंड नॉट द गवर्नमेंट जब इलेक्शन ड्यूटी पे होते हैं जो तो सरकार के जो ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर काम करते हैं ई सी के अंडर ना कि सरकार के तो ये सब कुछ पावर्स एंड फंक्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के जो कि इंश्योर करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं तो यहाँ देखिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इसके बारे में बताया गया है जरूर पढ़े से और साथ ही इसके पावर्स और फंक्शन भी दिए गए हैं तो ये सारे भी लर्न होने चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एन अनफेयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग इलेक्शंस तो इनमें से कौन सा एक अनफेयर प्रैक्टिस माना जाएगा इलेक्शंस के दौरान

अ वेरी पॉपुलर लीडर गैदर्ड अउड इन द प्रेमस वर्शिपिंग प्लेस अनाउंसड बिग प्रोजेक्ट और यहाँ पे इलेक्शंस डे जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं एक बहुत ही पॉपुलर लीडर ने ह्यूज क्राउड को पहले तो वर्शिप की जगह पे गैदर किया और एक बिग प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया तो ये गलत है अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट जो है या इलेक्शन लॉ जो है इनके मुताबिक फिर वर्कर्स ऑफ पार्टी फाउंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे जो कार्यकर्ता है पार्टी के वो लोगों को जबरदस्ती वोट दिला रहे थे तो ये सब आ, कौन कौन से अनफेयर प्रैक्टिस हैं आंसर इज सी सी एंड डी ये दोनों ही अनफेयर प्रैक्टिस हैं एक तो पहले पूजा पाठ की जगह को यूज करना इलेक्शन प्रोपागेंडा के लिए और एक बिग प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट करना जब इलेक्शन डेज डिक्लेयर हो गए हैं और यहाँ पे क्या करना रिगिंग करना वर्कर्स ऑफ पार्टी फाउंड नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में इसे कैसे मेजर किया जाता है आंसर इज ए वोटर टर्न आउट फिगर्स इनसे हमें पता चलता है कि कितने लोगों ने एक्चुअली पार्टिसिपेट किया तो वोटर टर्न आउट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हुई कास्ट दियर वोट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द ग्राफ एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो जो ग्राफ दिया गया है उसे हमें पढ़ना है और सही स्टेटमेंट को चुनना है जो ब्लू लाइन है इट रिप्रेजेंट्स इंडिया वोट वोटर टर्न आउट परसेंटेज इंडिया एंड पिंक इज वोटर टर्न आउट इन परसेंटेज फॉर यूके आंसर इज ए इन इंडिया द टर्न आउट हैज ईदर रिमेन स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप देखिए इंडिया का जो ये ग्राफ शो कर रहा है इसमें स्टेबल uh, सा लग रहा है और यहाँ देखिए फिफ्टी सिक्स है और फिर कितना है सिक्सटी सिक्स है तो ये एक्चुअली स्टेबल और थोड़ा सा ऊपर बढ़ा है नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी द ग्राफ एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट तो फिर से हमें ग्राफ पढ़ना है और सही स्टेटमेंट को चुनना है uh, तो यहाँ पे ग्राफ दिया दिखाया गया है जिससे पता चल रहा है कि वोटर टर्न आउट इन इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप्स तो इंडिया में देखिए अपर कास्ट ओ बी सी ये सब में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन जो है वो ज़्यादा होते रहा है बढ़ते रहा है जबकि यू का देखें तो यहाँ पर जो है स्पेनिक हैं ब्लैक वाइट और हिस्पैनिक इनके मुकाबले ब्लैक एंड वाइट के मुकाबले हिस्पैनिक का वोटर टर्न आउट फिगर बहुत ही कम है आ, कौन सा स्टेटमेंट सही है तो पहला स्टेटमेंट है इन इंडिया द पुअर एंड इलिटरेट एंड अंडर पीपल वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन कंपेयर टू द रिच एंड प्रशंस तो हाँ हमें ग्राफ से पता चल रहा है कि जो एस सी एस टी वाला ग्रुप है वो क्या है एक तो इलिटरेट अंडर प्रिवेलेज पीपल ज्यादा प्रोपोर्शन में वोट कर रहे हैं रिच और प्रवेलेज सेक्शन जो है उनसे ज्यादा ग्राफ है सिक्सटी और सिक्सटी वन फिर दूसरा स्टेटमेंट है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पीपल अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स वोट मच लेस देन द रिच एंड द वाइट पीपल तो यहाँ पे हमने देखा है ग्राफ में कि हिस्पैनिक पीपल जो है सिर्फ ट्वेंटी नाइन परसेंट है इसका परसेंटेज तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है फिर नेक्स्ट है कॉमन पीपल इन इंडिया डू नॉट अटैच अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस टू इलेक्शन तो ये गलत है क्योंकि कॉमन लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इलेक्शन को उन्हें लगता है कि उनके पार्टिसिपेशन से वो चेंजेस ला सकते हैं देश में और इस तरह से वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट uh, है द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन डिक्रीजिंग ओवर द इर्स इन इंडिया तो स्टेटमेंट भी गलत है यहाँ ग्राफ देखिये इलेक्शन और ईयर इस हिसाब से जो इंटरेस्ट है लोगों का वो देख सकते हैं बढ़े जा रहा है प्रति वर्ष तो सही स्टेटमेंट कौन कौन सा था फर्स्ट और सेकेंड आंसर इज ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रूव दैट इलेक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर तो इनमें से कौन सा एक सबूत है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है आंसर इज डी ऑल द अव तो देखिए अ पार्टी वॉज विनिंग सिंस डी केय्स बट इट लॉस्ट इन द रिसेंट इलेक्शन तो ये भी दिखा रहा है कि कितने फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं जो कि एक पार्टी लंबे समय से, से जीतती आ रही है वो लॉस्ट हार गई रिसेंट इलेक्शंस में इन द यूएस इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एम पीज़ और एम एल एज़ लूज इलेक्शन तो ये ये भी ठीक है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं जो जीते हैं वो हारते भी हैं द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजली एक्सेप्टेड एट पीपल्स वर्डिक बाई डिफीटेड पार्टी और जो पार्टी हार जाती है वो हमेशा जो भी रिजल्ट आते हैं उसे पीपल के वर्डिक समझ कर मान लेती है एक्सेप्ट कर लेती है तो ये सारे ही फीचर्स शो कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द टर्म रिगिंग तो आप इस टर्म रिगिंग से क्या समझते हैं आंसर इज बी फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस इनडल्सड बाई अ पार्टी और अ कैंडिडेट टू इंक्रीज इट्स वोट्स जो फ्रॉड और माल प्रैक्टिस किए जाते हैं किसी पार्टी और कैंडिडेट के द्वारा ताकि उनके वोट्स बढ़ सके तो ये क्या कहलाता है रेगिंग तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं और इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या है अ सेट ऑफ नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है वोटर्स इन ए जोग्राफिकल एरिया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू द लेजिस्लेटिव बॉडी और ये बाकी सारे टर्म्स आपको याद करने हैं साथ ही एक्सरसाइज में कुछ और एमसीक्यूज दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो इन सबको भी जरूर कर लेना है तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रीजन फॉर कंडिंग इलेक्शन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट uh, सही रीजन नहीं होगा इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए तो आंसर होगा सी mm, ये सही रीजन नहीं है पीपल इनाबल इलेक्शन इनाबल पीपल टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द जुडिशियरी इसे जुडिशियरी का कोई लेना देना नहीं है नेक्स्ट है ऑफ़ इज नॉट अ गुड रीजन टू से आर डेमोक्रेटिक तो इनमें से कौन सा एक सही रीजन नहीं होगा ये कहने को कि इंडियन इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है हाँ ये कहना इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोटर्स इन द वर्ल्ड वोटर से क्या होता है ये जरूरी है कि वोटिंग जो हो रही है वो फ्री एंड फेयर कंडीशंस में हो इलेक्शंस जो हैं वो सही तरीके से लिए जाए कोई माल प्रैक्टिस या फ्रॉड या रिगिंग ये सब प्रैक्टिस ना हो कोई वोटर्स को ब्राइब और थ्रेटन ना कर सके तो यहाँ पे इलेक्शंस को समराइज़ किया गया है जनरल इलेक्शंस के बारे में जानते हैं कि आखिर ये होते कैसे तो ये हर पाँच साल पे होते हैं टेन्योर क्या है फाइव ईयर्स जनरल इलेक्शंस के लिए तो लोकसभा के लिए आम, और स्टेट असेंबलीज़ लोकसभा के लिए भी जनरल इलेक्शंस होते हैं और स्टेट असेंबलीज़ के लिए भी तो लोकसभा के लिए हमारी कंट्री जो है वो 543 हंड्रेड में डिवाइडेड है और स्टेट्स में वैरी करता है ये डेटा बुक में दिया गया है जो लोकसभा के इलेक्शंस uh, के कॉन्स्टिटुएंसी से जीतते हैं वो क्या बन जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं वो होते हैं एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे दिखाया गया है कि वोटर्स लिस्ट जो भी है वो हर पाँच साल पे रिवाइज किया जाता है और साथ ही सरकार ये कोशिश कर रही है कि ई पी आई सी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड हर व्यक्ति को मिले जो कि जिनका नाम वोटर्स लिस्ट में है और वोट कौन कर सकता है हर लोग वोट कर सकते हैं जो कि एटीन ईयर्स या एटीन से अव है तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होते हैं तो जो कि बहुत रेयर हैं क्रिमिनल केसेस में ही बहुत रेयर सिचुएशंस में लोगों को डिनाइड रहता है लेकिन सारे लोग जो हैं

बोथ ऑफ वोटर और कैंडिडेट हो सकता है बस फर्क क्या है कि वोटर होने के लिए 18 इयर्स होना चाहिए और कैंडिडेट यानी कि इलेक्शन लड़ने लायक होने के लिए 25 फाइव ईयर्स होना चाहिए और जब ये नॉमिनेट हो जाते हैं तो इन्हें क्या मिल जाता है पार्टी का सिंबल और पार्टी का सपोर्ट और इसे हम क्या कहते हैं पार्टी टिकट नामिनेशन को ये नॉमिनेट जो होते हैं कैंडिडेट्स अगर कोई और भी चाहे कोई भी चाहे तो वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है और सिक्योर सम मनी डिपॉजिट करना है ए सिक्योरिटी डिपॉजिट उसके बाद का जो स्टेप है वो क्या होता है लीगल डिक्लेरेशंस का जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं उन्हें कुछ डिक्लेरेशंस करने होते हैं जिनमें वो फुल डिटेल देते हैं हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या डिटेल देने होते हैं उन्हें उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कितना प्रॉपर्टी है उनके पास आ, अगर उनके आ, कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं उनके फैमिली में कौन कौन है प्रॉपर्टी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब ये हो गया और क्या क्या होता है फिर इसके बाद आता है प्रचार प्रसार तो उसमें क्या कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं जिन्हें हम देख चुके हैं इलेक्शन लॉ के फॉर्म में कोड ऑफ कंडक्ट के फॉर्म में फिर फाइनल स्टेज क्या है पोलिंग का यानी कि वोट देने का इसे हम क्या कहते हैं इलेक्शन डे अब यूज किया जाता है ईवीएम का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का फिर उसके बाद वोटिंग होने के बाद ई को सील करके एक सिक्योर प्लेस पे भेज दिया जाता है और एक किसी पर्टिकुलर फिक्स डे ई को खोला जाता है और वोट को गिना जाता है और उसी दिन क्या होते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो आपने टीवी पे भी देखा होगा लाइव आते रहता है कि कहाँ से कौन जीत रहा है वोट vote, वोट्स की काउंटिंग होती रहती है आ, आ, लाइव बताते हैं फिर जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट पाता है वो इलेक्ट हो जाता है और इस तरह से इलेक्शन का प्रोसेस है तो ये सब इंश्योर कौन करता है कि सही मैनर में हो रहा है तो ये है इलेक्शन कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट था और इसे सभी को याद रखना है